अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है DBMS। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हमारे पास कुछ करेक्टर्स मिलते हैं तो वो हमारे पास एक फील्ड बनती है, फील्ड्स मिलती हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है, कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो हमारे पास फाइल बनती है, फाइल्स मिलती हैं तो डेटाबेस बनती है। बट आज हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारी डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। इट्स कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन एंड एक्सेस द डेटाबेस इन एफिशिएंट मैनर। एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो क्या करते हैं, हमारी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और उनको एक्सेस करते हैं किस वे में, एक एफिशिएंट, एक इफ़ेक्टिव वे के साथ। उन प्रोग्राम्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को हम किसका नाम देते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी एंड डेटाबेस इंटेग्रिटी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है शेयरेबिलिटी। यू नो, शेयरेबिलिटी फीचर जो है वो हमें ये बताता है कि हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं इन बिटवीन डिफरेंट पीपल विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये हमें बताता है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो स्टोर है हम उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ना सिर्फ शेयर कर सकते हैं बल्कि वो एवरी टाइम अवेलेबल होता है व्हेन यूज़र रिक्वायर्ड। अवेलेबिलिटी का फीचर हमें कौन प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम डेटाबेस को किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, वो 24 आवर्स अवेलेबल होता है। तो ये अवेलेबिलिटी जो है ये भी हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट है हमारे पास इवॉल्वेबिलिटी। देखिए, इवॉल्वेबिलिटी का मतलब है चेंजिंग्स। ऐसा सिस्टम जो हमें चेंजिंग्स के लिए हेल्प आउट होता है उसको हम इवॉल्वेबिलिटी का नाम देते हैं। हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हम इसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड, अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट्स हम इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये भी इवॉल्वेबिलिटी जो है ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही ऑब्जेक्टिव है। आगे जी डेटाबेस इंटेग्रिटी। देखिए, इंटेग्रिटी का मतलब है ईमानदारी या हमारे डाटा की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस जो हमारे डाटा की है वो बेसिकली इंटेग्रिटी है। तो डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब है कि डाटा की एक्यूरेसी, डेटाबेस की एक्यूरेसी या उस डेटाबेस के अंदर जो डाटा मौजूद है उसका करेक्ट होना, उसका ठीक फॉर्म में होना, ये बेसिकली डेटाबेस इंटेग्रिटी है जो कि सपोर्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इनके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सबसे पहला जो फीचर हमें प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो है डेटा डिक्शनरी का। डेटा डिक्शनरी का मतलब है कि डेटा का फुल फॉर्म में स्टोर होना, मतलब फील्ड साइज, फील्ड लेंथ, ठीक है, कितने करेक्टर्स उसमें स्टोर हैं, मतलब ईच एंड एवरी थिंग डाटा की वो जहाँ स्टोर होती है वो बेसिकली डाटा डिक्शनरी कहलाती है। इसके अलावा हमारे पास है जी यूटिलिटीज़। देखिए, यूटिलिटीज़ हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प आउट होते हैं। तो ये भी फीचर पाया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट है जी क्यूरी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, क्यूरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्या करती है, डेटाबेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है। हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो क्यूरी लैंग्वेज है वो है SQL। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमें प्रोवाइड करता है। इस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, रिट्रीव कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसे डिलीट कर सकते हैं।
आगे जी रिपोर्ट जनरेटर का फीचर हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके बाद सिक्योरिटी का फीचर प्रोवाइड करता है, कोई अनऑथराइज बंदा जो है डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी बैकअप एंड रिकवरी, हम अपने डेटाबेस की डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट डुप्लीकेट कॉपीज तैयार कर सकते हैं जिसको हम बैकअप का नाम देते हैं। बैकअप का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है ताकि हम अपने डाटा को रिकवर कर सकें जबकि उसकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस। पहला जो एडवांटेज है इसका वो है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हमारे पास डेटाबेस में मौजूद जो डेटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर में कोई चेंजिंग करते हैं तो उससे हमारे डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो ये है कि इसमें रिडंडेंसी नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होती, एक ही रिकॉर्ड अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं होता। इसके अलावा हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो डाटा सिक्योरिटी का करता है कि कोई भी अनऑथराइज यूज़र जो है वो डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी ऑफ डाटा, करेक्टनेस ऑफ डाटा जो है वो बेसिकली कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं डेटाबेस में जिनको हम कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का नाम देते हैं। हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कोर्स क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए हमें एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो, तो एक अच्छा हार्डवेयर की जो कॉस्ट है, एक अच्छे सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हमारे पास ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो प्राइस किसकी होती है, वो सिस्टम की होती है जहाँ पर डेटाबेस एग्जीक्यूट हो रही होती है। आगे जी हमारे पास एडिशनल ट्रेनिंग। देखें, एक अननोन बंदा या अनएजुकेटेड बंदा जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब वो ट्रेनिंग जो है वो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक स्टाफ रखना पड़ता है, तो इस तरह से हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के।